अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो है वो एक मूवी का ट्रेलर है जिसकी आप लोगों ने बेहद रिक्वेस्ट करी हमसे और हम उसके लिए लेट हो गए एक बार फिर। और उसका नाम है शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो सीधे चलते हैं, पहले ट्रेलर देखते हैं, बाकी बातें बाद में। तो हेयर भी एक बात बताओ बेटा, ये कब डिसाइड किया कि ये बनोगे क्या? अरे मतलब ये नहीं कहते, ये कहते। हाँ वही सेम थिंग। कब डिसाइड किया आपने? कब डिसाइड किया कि आप गे नहीं बनोगे बेटा? मम्मी पापा को पता वैसे? मेरा पापा लोहार है, तेरे पापा तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। बोलो तो मुझसे प्यार करता है। मैं गलत फहमी हुई है पापा। क्या गलत फहमी? काशी को जब मैंने पहली बार देखा था ना, उनकी फेरी बड़ी हो गई थी, पुतलियां आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी। उस बीमारी का नाम है होमोफोबिया। डॉल्बी बीमारी लगती और इस बीमारी का कोनो इलाज नहीं। हमने तुम्हारे लिए कुसुम को चुना है, लड़की है। तुझे क्या लगता है तेरे साथ में फेरे पर पिक्चर रिलीज हो जाएगी? दी एंड, हैप्पी एंडिंग ना बेटा। सुहागरात से तेरा रोडी शुरू होगा। कर पाएगा टास्क? बनेगा रोडी? बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सुनना जी, हमें पटरी पे धकेल के तुम मदर इंडिया बनना चाह रही हो? बनूंगी मैं मदर इंडिया, मैं माँ हूँ, माँ के पास दिल होता है। हाँ बाप तो बेटी से चलते हैं। ये बीमारी आपका प्यार पूरा नहीं हुआ तो हर प्यार को नफरत से देखोगे क्या? तुमने पुरुष से प्यार किया, लड़के से? क्या गलत करता है? जो प्यार इनके दिमाग में फिट नहीं बैठता ना, उसको दबा देते हैं। पर ये हमारी लड़ाई है और एक आधी हैप्पी एंडिंग तो अपने भी बनती है। लड़ाई लड़नी पड़ती है जिंदगी में, पर जो लड़ाई परिवार के साथ होती है वो सारी लड़ाई में सबसे बड़ी और खतरनाक होती है। अर्जुन को ही देख लो। माधव साहब का लड़ा, वो भी तुम्हारे गैंग में क्या? अरे महाभारत के अर्जुन की बात कर रहा है वकील साहब। ये जनाब 21 अप्रैल को ये आ रही है। एक बात बताओ बेटा, 21 अप्रैल को आ रही है? फेब को आ रही है। देखो अबे हाँ भाई फिल्म, अच्छा फिल्म में आ रही है सर भाई, 21 तो आ रही है। बहुत ज़बरदस्त फिल्म है और डिफरेंट टॉपिक है, इस टाइप की टॉपिक और भी बनती रही फिल्में, जैसे दोस्ताना टाइप की आप चीज़ें कुछ ना कुछ झलक देखते रहे फिल्मों के अंदर। और दोस्ताना में तो उनको बनना पड़ रहा था। और ये जो है ना, एक बहरहाल हर किसी को अपना अपना अधिकार है। तो फिल्म के तक बहुत अच्छी फिल्म है और इन्जॉय करेंगे लोग, देखेंगे कि क्योंकि हम देख रहे हैं उन लोगों को भी जो उनकी थिंकिंग क्या होती है, उस पार्ट के लोग क्या सोचते हैं जो गेजम पे डिपेंड बिलीव करते हैं या जो लेस्बियन पे वो करते हैं, तो हम उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, वो किस तरह प्यार करना चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले भाई हमेशा मैं वीडियो से हट के जो किरदार होते हैं उनकी भी बात करता हूँ, जो जिन्होंने वीडियो मूवी बनाई। तो सबसे पहले आयुष्मान खुराना के लिए यार बात करेंगे, जो रिसेंट टाइम में वो मूवीज़ बना रहा है वो मुख्तलिफ होती है। एक बॉलीवुड में एक कॉन्सेप्ट है कि प्यार मोहब्बत या लड़ाई एक्शन, ये बनाना है या इनको तो कास्ट किया था ना जो प्रोजेक्ट होता है यार। मेरे लिए अगर आप मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आओगे एज एन एक्टर, तो मुझे उसको चूज करना वो बहुत एक जिगर का काम है। हाँ। इसकी आप सारी मूवीज देख लो, शुभ मंगल सावधान में थी वो भी ऐसे किसी टॉपिक पे थी, इसके बाद बधाई उसकी फिल्म, मतलब अंदाज होनी, सारी जो फिल्म है ना ये जिगर चाहिए किसी भी एक्टर के लिए चूज करने के लिए। Excellent. और आवाम इसको पसंद कर रही है, इसकी मूवीज हिट हो रही है। बाकी जिस भी खान जो है बॉलीवुड के, उसमें मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि बॉलीवुड का एक परसेप्शन था कि भाई लव स्टोरीज चलेंगी या एक्शन मूवीज चलती हैं इस तरीके, लेकिन इसने आके ना उन बाउंड्रीज को तोड़ा है, चेंज किया और ये वाहिद एक प्रोमिनेंट एक्टर बन के निकला है। और इसके ऑन स्क्रीन किसी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रेट है
तो एक लड़के को सिर्फ दर्शाने के लिए किस करना ऑन स्क्रीन बहुत बड़ी बात है। ये किसी एक्टर के लिए एक्टर है ना, स्टिल इसको जानते हैं कि भी एक्टर है। स्टिल मैं एक बात क्या बोल रहा हूँ, एक जिगरा चाहिए दर्शाने के लिए, लौंडे को किस करने के लिए। अगर वो स्ट्रेट है, क्योंकि वो स्ट्रेट है, वो शादीशुदा है एक लड़की से, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये एक्टर की हम तारीफ कर सकते हैं कि यार उसने एक आउट ऑफ द बाउंड्री जाके अपने लिए उसने करेक्टर जो किरदार है वो चूज करा। बहरहाल ये बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है। जहां तक मूवी की बात है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को कि किसी भी एक्टर के लिए बहुत जिगरे वाली बात है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स अपनी बाउंड्रीज को क्या कहते हैं बाहर निकल के उनसे ये मूवी बनाए। तो आई होपफुली ये बहुत इंडिया में काम करेगी वीडियो, ये आपको बताएगी। और ये एक अच्छी चीज है कि हमें वो फीलिंग जो उनकी जो जो उनकी जो भावनाएं हैं वो समझने के लिए इस फिल्म के जरिए हमें पता चल जाता है कि क्या होता है। Exactly. तो अब आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने हमारी बात से क्या खुलासा निकाला। और नीचे मैं नजर आ रही हूँ मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो आप लोग कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।